एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वो पीहू है और जस्ट मैं अभी नहा करके आई हूँ और अभी सुबह के बज चुके हैं 10। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे। वो देखिए, एक बाल्टी भर के कपड़े रखे हैं और प्लस एक बाल्टी भर के कपड़े मतलब अभी बाथरूम में मैंने टांग रखे हुए हैं हैंगर पे, तो उसका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको जा करके सुखा के आऊँगी और उसके बाद फिर मैं सेकेंड राउंड में वो वाले कपड़े लेकर के जाऊंगी। तो मैंने आज मतलब काफ़ी कपड़े धुले और ये मेरा कोई नया ऐसा नहीं है कि नहीं मैं 7 दिन में 8 दिन में इतने कपड़े धोती हूँ, ऐसा नहीं। मतलब 3 से 4 दिन में मेरे इतने कपड़े होते ही होते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए कोई भी चीज़ को मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब कपड़े जितने भी जैसे मेरे ये कवर वगैरह बिछे हुए हैं तो मैं इनको बहुत जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ। गेस्ट रूम में भी ऑलमोस्ट मैंने हर जगह पर कवर डाले हुए हैं, हर जगह पे, चाहे वो बॉक्स हुआ चाहे वो एक छोटा सा बैगी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी आपको कवर मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा हर से 4 से 5 दिन में मैं सारे कवर निकाल के चेंज कर देती हूँ और फिर धोने के लिए, फिर यार इतने कपड़े होते ही होते हैं, है ना। तो आज तो थोड़े से ज़्यादा इस वजह से हो गए कि जितने भी मतलब मैंने ब्लैंकेट वगैरह मोटे मोटे तो रख ही दिए थे और छोटे छोटे से और मतलब हल्के हल्के से ब्लैंकेट और रखे हुए थे जो हम लोग ओढ़ रहे थे अभी, तो एकदम पतले पतले से ब्लैंकेट थे। और मैं ब्लैंकेटों को ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उसके ऊपर कवर डाल करके ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने कॉटन के उसमें पतले पतले जो कॉटन के होते हैं खादी के, वो मैंने कवर डाल रखे हुए थे। तो अब उसमें भी अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो उसमें भी उलझन होती थी, तो आज मैंने वो सारे कवर निकाल के वो सारे ब्लैंकेट भी मैंने रख दिए हैं अंदर और मैंने एकदम पतले पतले से कॉटन के मतलब चादर वगैरह ओढ़ने के लिए निकाल लिए। तो इस वजह से वो ठंडी के भी थोड़े से कपड़े हो गए थे कवर वगैरह, तो वो 3-4 कवर हो गए थे तो वो ज़्यादा हो गए ऑलमोस्ट। बाकी ऐसे इतने कपड़े तो मेरे नॉर्मल होते ही होते हैं। और मैं सच बताऊँ, हम लोग केवल 3 मेंबर हैं। मैं सोचती हूँ कि यार मेरे घर में इतने कपड़े होते हैं क्या, हम लोग 3 ही मेंबर हैं, फिर भी मेरे यहाँ हर 3रे से 4थे दिन में इतने कपड़े निकलते ही निकलते हैं। क्योंकि जो ये लोग भी यूज़ करते, जैसे इनके भी पैजामा टी शर्ट हुआ, अभी तो मैं रेगुलर उसको रोज़ का रोज़ ही वॉश कर रही हूँ। और वैसे भी जैसे अब गर्मी आ गई है ना, तो अब मैं ज़्यादा दिन तक कपड़े रखती नहीं हूँ। अगर इन्होंने 2 बार भी टी शर्ट पहन लिए तो वो मैं धो देती हूँ। इनके पैजामे भी अगर इन्होंने दो बार अगर एक दिन पहन लिया, इनके पास 2-3 हैं, तो मैं उसको एक इन्होंने अगर 2 बार पहन लिया तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा चलता रहता है। और मैं ये देखती हूँ कि यार मेरे यहाँ तो बहुत कम मेंबर है तब भी मेरे इतने कपड़े होते हैं। और मैं देखती हूँ इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ रह रही हैं सब में, मतलब किसी के यहाँ 4 लोग हैं, किसी के यहाँ 5 लोग हैं, किसी के यहाँ 6 लोग हैं। भाई उनके यहाँ भी इतने कपड़े नहीं होते जितने मेरे यहाँ होते हैं। आज तक मैंने मतलब इतना नहीं देखा कि किसी के यहाँ इतने कपड़े डेली सूखते हैं, मगर मेरे यहाँ कभी भी खाली नहीं रहता, हमेशा कपड़े, हर 3रे दिन इतने कपड़े निकलते हैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे यार इतने कपड़े धोती हो। और मेरा ना एक बार मैं पारादीप में क्या हुआ था, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और वो मेरी ही प्रॉब्लम नहीं थी, वो सब कई लोगों के साथ में हुई थी। ये मेरा राइट हैंड है तो ये जो आप हड्डी देख रहे हो ना, ये मेरी थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो वहाँ उसका काम मतलब जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तब उसने ये बोला था कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक ही हाथ हमारा राइट हैंड है, बहुत रेगुलर ये चलता रहता है। तो उस टाइम पे क्या था, मेरी पीहू बहुत छोटी थी तो उस टाइम बहुत काम हो जाता था यार, आप जानते हो छोटे बच्चे के साथ में। और बहुतों को मैंने देखा है कि भाई बड़ी गंदगी से रहते हैं, तो जैसे हम लोग बिछौनियाँ बनाते हैं बच्चों की छोटी छोटी सी, तो नीचे बिछाने के लिए, तो वो अगर एक अगर उन्होंने टॉयलेट कर दी तो क्या करते हैं, उसी को धूप में डाल के सुखा लेते हैं, धोते नहीं हैं, है ना। धूप में डाल ली, सुखा ली और फिर से उसको यूज़ किया, उसे इतनी गंदी स्मेल आती है, लेकिन वैसे ही यूज़ करते, तो बड़ी गंदगी से रहते हैं बहुत, मैंने लोग देख लिए ऐसे है। तो भाई मुझसे तो ऐसा होता नहीं था, अगर वो एक बार टॉयलेट करती थी तो मैं तुरंत ही उसे वॉशिंग पाउडर में जाकर के भिगो देती थी और धो करके डाल देती थी। और घर मेरा तब भी इतना ही नीट एंड क्लीन रहता था जब मेरी बेटी छोटी थी, और लोगों मतलब लोग अगर आते थे मेरे यहाँ बाहर से लेडीज़ वगैरह, तो ये बोलते थे यार आपकी इतनी छोटी सी बेटी है फिर भी आपका घर इतना साफ़ रहता है। तो भाई मैं क्लीनिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, सफाई में मुझसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मैं खाना लेट खा लूँगी लेकिन मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मेरी बेटी एकदम मेंटेन रहती थी, एकदम साफ़ सुथरी रहती थी, कम से कम मैं दिन में 4 बार उसके कपड़े चेंज करती थी जब वो छोटी थी। घर में मेरे 2 बार पोछा लगता था फिनाइल का, और घर मेरा ऐसे ही मेंटेन रहता था जैसे आज आपको दिखता है वैसे ही रहता था। और बस मैं मेंटेन नहीं रहती थी बिल्कुल भी, मुझे 4-4 दिन हो जाते थे मैं कंघी नहीं करती थी, तो ये सब था, मैं खुद को मेंटेन नहीं रख पाती थी। खुद को क्या मेंटेन रखना है ना, लेकिन फिर भी कंघी वंघी तो हो ही जाती है, लेकिन वो नहीं होती थी। लेकिन मेरी बेटी और मेरा घर ऐसे ही मेंटेन रहता था। और कपड़ों से मेरे कभी भी स्मेल नहीं आई, आज दिन तक स्मेल नहीं आई,
मेरी बच्ची छोटी भी थी उस टाइम पे भी बिल्कुल स्मेल नहीं आती थी क्योंकि मैं कपड़े भी रेगुलर धोती ही रहती हूँ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने यहाँ पे देख लिया भाई इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज रह रही फिर भी उनके यहाँ कपड़े नहीं होते, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। और मेरे यहाँ तो हर तीसरे दूसरे दिन इतने कपड़े निकलते ही निकलते हैं। और जब से ये कोरोना वायरस का फैल गया है तब से तो भाई सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं तो, मैट वगैरह दो से तीसरे दिन में मैं तो धो देती हूँ उठा करके, भले मैं गर्म पानी करती हूँ उसमें वॉशिंग पाउडर डाला और जितने भी मेरे मैट वगैरह हैं उनको भिगोया, एक बार ब्रश मारा और निकाल के सुखा देती हूँ। तो रेगुलर मेरे पास ऐसे मतलब इतने सारे हैं कि मैंने डबल डबल करके रखे हुए हैं, तो एक बार धुले वो जैसे जब तक सूखते हैं तब तक मैं दूसरे डाल देती हूँ, तो इस तरह से मेरा चलता रहता है। आप भी बताना यार आप सब लोग भी कैसे करते हो। तो वैसे भी हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही देना चाहिए और सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जानते हो अभी ना टीवी में न्यूज़ में भी आ गया है कि जहाँ पे बैक्टीरिया गंदगी होगी, जैसे अपना किचन हुआ, अगर किचन में गंदगी है, चिपचिपाहट है, अगर इस टाइप का कुछ हुआ तो वहाँ पे बैक्टीरिया हो जाते हैं, बैक्टीरिया होंगे तो वहाँ पे वायरस होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे कि हम लोग बेडशीट यूज़ करते हैं, बेडशीट पे रोज़ सोते हैं या जो ओढ़ते हैं हम लोग, भले हम लोग चादर ही क्यों ना ओढ़ते हो या कंबल ओढ़ते हो, उसमें भी ना बैक्टीरिया मतलब उसमें भी रेगुलर हम लोग ओढ़ते हैं और जो हम लोग तकिया के कवर है उस पर तेल वगैरह लगता है तो उसमें भी बैक्टीरिया होने का डर होता है। और जहाँ पर बैक्टीरिया होगा वहाँ पर वायरस मतलब बहुत जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये न्यूज़ में भी बताया गया है। तो इस वजह से भी मैं तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, ओढ़ने से, बिछाने से और तकिया के कवर, हर चीज़ के कवर मैं बहुत जल्दी जल्दी वॉश करती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड देखते रहते हैं ना, तो मुझे जो ये प्रॉब्लम हो गई थी यार, मेरी हाथ की हड्डी बढ़ गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जैसे राइट हैंड है, राइट हैंड से काम करना, आप जैसे पीहू मेरी छोटी थी तो बहुत भारी भारी मैं दरी वगैरह हर चीज़ धो देती थी यार, मैं बिल्कुल नहीं रखती थी बस वॉशिंग, और ना मैं रात देखती थी ना मैं दिन देखती थी, मैंने रात में भी मतलब शाम टाइम भी मैंने ढेर ढेर भर मैंने कपड़े धो करके मैं सुखा देती थी। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, लोड पड़ता है, आप जानते हो ना कि जैसे भारी चीज़ें हम लोग इस तरह से धोते हैं तो इस हाथ में लोड पड़ता, तो और उस टाइम पे मैं मशीन का भी बड़ा चस्का चढ़ गया था, तो मेरे पास हाथ वाली मशीन थी तो मैं वो चलाती थी, तो यार उससे क्या था, अब रेगुलर ये हाथ वाली मशीन में तो आप जानते हो कि इस तरह से चलता है, तो ये मतलब इसमें क्या हुआ था, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा काम करने की वजह से इस हाथ की मेरी हड्डी थोड़ी सी बढ़ गई थी। और ये मेरे साथ नहीं हुआ था, वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा था कि वो मेरे साथ ही नहीं हुआ था, कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ था। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला थोड़ा सा काम मतलब इस हाथ से थोड़ा अभी इस पर ज़्यादा जोर मत दिया करो, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, मैं आटा भी लगाने में मुझे दिक्कत होती थी। तो फिर उस टाइम मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, वो कपड़े वगैरह धोते थे, लेकिन भाई हम लोगों ने सफाई में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मेरे हस्बैंड ही धोते थे, मगर वो डेली ही डेली पीहू के जितने कपड़े होते थे ना धोते थे और मैं सुखाती थी, और जितने हल्के फुल्के कपड़े होते थे मैं छोटा मतलब दर्द ऐसे लेती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ही किसी भी चीज़ को मैं इतना हवा बना के नहीं बैठ जाती कि मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं ओढ़ बेड़ करके लेट गई, अरे मेरी तो तबीयत ख़राब है, मुझे तो यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, ये मुझसे नहीं होता है। तो मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ और इसीलिए मतलब आज तक भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी तक मेरी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं फिट हूँ एकदम। तो घर में मैं दो बार, अभी गर्मी आ गई, मैं सुबह शाम दो बार पोछा लगाती हूँ, सुबह भी लगाती हूँ शाम को भी लगाती हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने की या फिर मुझे बाहर वॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं घर में इतने अपने काम कर लेती हूँ कि मैं फ़िट हूँ। तो हस्बैंड ने मेरा बहुत हेल्प करी थी, वो भी धोते थे, और बाकी जो हल्के फुल्के कपड़े होते थे इनकी ड्यूटी होती थी, तो यार मॉर्निंग ड्यूटी होती थी तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती मैं इकट्ठा करके रख दूँ, जब ये ड्यूटी से आएंगे तब ये धुलेंगे, वो मैं नहीं करती थी, तो वो सारे कपड़े मैं अपने आप से ही धोती रहती थी बीच बीच में। फिर मैंने दवाई ली, मेरा ठीक हुआ, आयुर्वेदिक दवाई थी। तो अभी क्या है, जैसे अभी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं और मैं रेगुलर धोती रहती हूँ, तो इस वजह से ये बोल रहे थे, इन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया, कहने लगे चलो चलते हैं एक वॉशिंग मशीन उठा लेते हैं, तो कैंटीन में ऑर्डर कर देंगे और एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। तो फिर यार मैं ना एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कपड़े धोने में, और मैंने बहुत दिनों से सोच रखा हुआ था कि मुझे एक चीज़ मतलब गोल्ड की लेनी ही लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे एक चीज़ लेनी थी, गोल्ड की ही लेनी है, और मैं बहुत दिनों से सोच के बैठी हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन का इनसे बोला कि मुझे वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, और उसकी जगह जो मैंने सोच रखा है, मैं जब भी जाऊँगी शॉपिंग करने मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, और देखना मैंने क्या लिया है। तो अब अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन है, तो जैसे ही ये सब ठीक हो जाता है मैं ज़रूर अपनी गोल्ड की शॉपिंग करूँगी, और मुझे वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। और गाइज मैं आज नहीं,
एक साल के बाद, दो साल के बाद मैं जब भी वॉशिंग मशीन लूँगी तो मैं नॉर्मल वाली नहीं लूँगी, मैं ऑटोमेटिक मशीन ही लूँगी, जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है मैं वही लूँगी। तो यही चीज़ें मैंने सोच रखी हुई, क्योंकि चीज़ें एक बार ली जाती बार बार नहीं आती, तो मैं आप एक एक चीज़ भी जोड़ूंगी तो मैं अच्छे से ही जोड़ूंगी, तो मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ही लूँगी। तो अब देखते हैं कब तक लेते हैं, इस साल तो मेरा कोई इरादा नहीं, नेक्स्ट ईयर भी मेरा कोई इरादा नहीं है, और इस साल तो मैं गोल्ड की चीज़ें मुझे कुछ कुछ लेनी है, गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही चीज़ लेनी है। जो भी मैं लूँगी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, जब तक ये लॉकडाउन नहीं हटता है तब तक तो ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो बस यार चलो भाई, मैं कपड़े वपड़े सुखा करके आती हूँ ना, 10:15 हो गया बात करते करते, तो मैं जा रही हूँ कपड़े सुखा के आती हूँ, उसके बाद मैं दीपक लगा दूँगी, मैं पूजा कर लूँगी, दो बार मुझे कपड़े सुखाने हैं, तो ये सब करते करते मुझे 10:30 हो जाएगा, उसके बाद मैं दीपक दीपक लगा दूँगी। और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, नाश्ता मेरा पहले ही हो गया था, आज थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे ऊपर एक आसाम की रहती हैं तो वो ना डस्ट मतलब कूड़ा डालने जा रही थी, तो और मैं बाहर पोछा लगा रही थी, तो हम लोग मिल गए, बहुत दिनों के बाद मिले तो बातें हो गई, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम वहाँ पे निकल गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, रोज़ रोज़ थोड़ी होता है, अभी तो वैसे भी मिल ही नहीं पा रहे एक दूसरे से, और घर तो कोई किसी के जाता नहीं है, वैसे भी नॉर्मल भी नहीं जाता, बस आते जाते मिल जाते तो बातें हो जाती हैं, तो बस उसमें थोड़ा सा टाइम चला गया, नहीं तो मेरा ये सब काम बहुत पहले ही हो जाता। तो कोई बात नहीं, नाश्ता तो मैं हम लोगों ने कर लिया, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो बस अब मैं इसको सुखा के आती हूँ, मिलती हूँ, बहुत सारी बातें कर ली, तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो बस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सुखा के आ गई थी कपड़े, और ये मैं लेकर के बैठी हूँ पीहू के सारे खिलौने। तो मैंने एक बाल्टी गर्म पानी कर लिया था, और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा ना वॉशिंग पाउडर अभी नहीं डाला है, मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा कि इसके जितने भी खिलौने हैं मैंने इसमें डाल दिए गर्म पानी में, क्योंकि यार हम लोग सारी सफाइयाँ तो कर लेते हैं, लेकिन ना जैसे बच्चे, ये मेरी पीहू तो दिन भर इन्हीं खिलौनों से खेलती, आपने देखा ही होगा, तो इसी वजह से मैं इसको ना हमेशा इस तरह से कर देती हूँ, जब से ये कोरोना वगैरह का डर है तब से भी करती रहती हूँ, मतलब मैं ऐसे तब से जब से ये लॉकडाउन हुआ है इसको मैंने 3 बार वॉश कर दिया है, इसी तरह से गर्म पानी में भिगो करके रख देती हूँ, और ये बहुत अच्छा गर्म पानी था, मतलब काफ़ी अच्छा था कि मैं हाथ भी नहीं डाल पा रही थी, तो फिर उसमें मैंने अच्छे से सारे ही खिलौने उसके भिगो दिए थे, क्योंकि ना बच्चे दिन भर खेलते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में कुछ कुछ करते रहते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं, मुँह में भी डाल ही लेते हैं, तो ना वो ठीक नहीं है। उसके बाद मैंने जब पूरे ही अच्छे से भिगो दिए थे सारे ही इसके खिलौने, तो फिर मैंने इसमें क्या किया था, मैंने सबसे पहले इसमें डाला था थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें डिटॉल। तो वॉशिंग पाउडर डाल करके मैंने इसको अच्छे से मतलब कर दिया था, हाथ से मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत गर्म था पानी, इस वजह से नहीं कर पा रही थी, तो बस मैंने यहाँ पे मतलब भिगो दिया था। और वैसे भी बच्चों के खिलौने धोते रहना चाहिए, क्योंकि ना हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बच्चे हैं खेलते हैं रख देते हैं, तो मतलब नहीं ठीक है वो चीज़। तो फिर मैंने ना इसको कैसे कैसे हाथ से छू लेते हैं यार, तो बस मैंने वही ठीक से इसको भिगो दिया था। अब मैं इसको ना कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, डिटॉल डाल दिया, वॉशिंग पाउडर डाल दिया, अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी अपने किचन में, तो बस मैं बनाने जा रही हूँ अपना लंच। तो आज गाइस मतलब थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह देखने बैठ गई थी, और वैसे भी यार जब सब्ज़ी वगैरह कुछ है नहीं घर में तो क्या बनाएं। ये मेरे गार्डन के टमाटर हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पक पाए थे, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने तोड़ लिए, और ये मुझे मेरी जो ऊपर में एक आसामी रहती हैं वही मुझे ये देने के लिए आई थी, उनके यहाँ पर लगी हुई है धनिया, तो वो देने के लिए आई थी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल, और हाँ आप सब्ज़ी वगैरह है नहीं तो अब रोज़ रोज़ क्या सब्ज़ी बनाए कुछ समझ में नहीं आता, तो बीच बीच में ना मैं कभी इसी तरीके से सिंपल सा बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है और डाल दिया है प्याज, और इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज नमकीन चावल, मतलब और आप तहरी भी बोल सकते हो, लेकिन उस तहरी में भी बहुत सारा मटेरियल पड़ता है, मटर हो और वेजिटेबल्स बहुत सारी हो तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो टमाटर भी मिल गए थे गार्डन के तो बहुत अच्छा हो गया। बस मैंने यहाँ पे 3 टमाटर डाले थे, और इतने अच्छे खट्टे टमाटर है यार, बहुत ही अच्छे हैं टमाटर, तो बस मैंने वही डाले थे सारे। उसके बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, नमक डाल के छोड़ दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे पका लेती हूँ। तो फिर बस ये हमारे देखिए पक्के हो चुके थे एकदम रेडी, तो बस इसमें मैंने डाल दिया था मसाला, और ये मैंने एक आलू ही करके रखा, काट के रखा हुआ था, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं यार सब्ज़ी, बस लौकी पड़ी हुई है मेरे पास,
और आलू है बस, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। तो कभी कभी इस तरह से भी बना लेती हूँ, बीच बीच में कभी नमकीन चावल बना लिए, और दही रखा ही हुआ था मेरे पास, और हरी धनिया मुझे मिल ही गई थी, तो मैंने सोचा चलो टमाटर की चटनी बना लेंगे। तो चावल मैंने भिगो के धो के रखे हुए थे, तो बस मैंने इसको ये डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बस बन गई हमारी तैहरी। और यार क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो अब कैसे ना कैसे करके दिन तो एक एक करके निकालने ही हैं, कभी कुछ बना लो कभी कुछ बना लो, ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, और दिन निकल ही रहे हैं, एक एक करके कम ही हो गए हैं दिन, तो बस ऐसे ही निकलते जाएंगे, और भगवान करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको डाल दिए हैं चावल, और मैंने ना इस तरह से नाप लिया था कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गए चावल, तो बस मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये जब तक पकेगी तब तक मैं जा रही हूँ अपनी चटनी को ग्राइंड करने के लिए। धनिया है, टमाटर है, और लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्ची थी। तो बन के रेडी हो चुका है मेरा लंच। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे एक ज़रूर लाइक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।